Hello students, today I will discuss about the vapor absorption refrigeration system, unit 3. Subject code is ME8002 and the subject name is refrigeration air conditioning. Today I will discuss about simple vapor absorption system in which the compressor is totally removed because of the जैसा कि आपने vapor compression refrigeration system में देखा कि कंप्रेसर यूज हो रहा था और कंप्रेसर के यूज होने से सीओपी जो था सिस्टम का वो काफी कम हो रहा था। उस सीओपी को बढ़ाने के लिए या तो वर्क इनपुट हमारा कम से कम हो जाए या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा ज्यादा से ज्यादा हो जाए। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पा रहे थे जिस वजह से हमें वर्क ऑफ इनपुट जो है वो कम करना पड़ रहा था। तो वर्क ऑफ इनपुट को कम करने के लिए हमने यहाँ पे कंप्रेसर को रिमूव कर दिया है और कंप्रेसर को रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास जो चीज दिख रही है वो है जनरेटर, वेपर जनरेटर जो कि एक्सटर्नल हीट को यूज करता है। तो यहाँ पे NH3 जो अमोनिया वेपर है उसका इस्तेमाल हो रहा है। उस अमोनिया वेपर को हम एज अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं इन अ जनरेशन। तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग अमोनिया हमारा यहाँ पे जनरेट होता है वेपर के फॉर्म में, उसको हम फिर कंडेंसर साइड पे ले आते हैं जहाँ की वो लिक्विडिफिकेशन फॉर्म में चेंज होता है। T2 इज द हाइएस्ट टेम्परेचर, Q2 इज द लेटेंट हीट वेयर द हीट विल बी रिजेक्टेड। तो लिक्विड फॉर्म में जब अमोनिया निकल के आता है कंडेंसर साइड से तो उसको थ्रॉटल वाल्व से हम एवोपरेटर को ले आके एक्सपांड कराते हैं और जाके वहाँ पे एवोपरेशन स्टार्ट होता है। तो एवोपरेशन जो है वो कम प्रेशर पे कम टेम्परेचर पे स्टार्ट होता है। वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है T3 रहता है क्योंकि T2 से काफ़ी कम रहता है। Q3 अमाउंट पे हीट एब्जॉर्ब की करवाई जाती है ताकि लो प्रेशर की अमोनिया वेपर को बनाया सके। उस लो प्रेशर की अमोनिया वेपर को उसके बाद एब्जॉर्बर में भेजते हैं। एब्जॉर्बर का काम होता है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अमोनिया को एब्जॉर्ब करने का। तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में जब अमोनिया एब्जॉर्ब होगी तो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की जो वैल्यू रहती है वो पड़ जाती है। तो एब्जॉर्बर का काम मेनली ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अमोनिया वेपर को एब्जॉर्ब करने का रहता है। फिर यहाँ से निकलने के बाद स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनता है। स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जैसे बनता है उसको जनरेटर में आके उसको गर्म कराते हैं जहाँ की टेम्परेचर T1 रहता है जो कि T3 से बहुत ज्यादा रहता है। और हीट सप्लाई स्टीम या एक्सटर्नल सोर्स से की जाती है जिसकी की मात्रा Q1 अमाउंट रहती है। इस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम पूरा कंप्लीट होता है। कुछ भी यदि वीक सॉल्यूशन जनरेटर साइड से होता है तो ये जनरेटर साइड से वीक सॉल्यूशन वापस से एब्जॉर्बर में भेज दिया जाता है ताकि उसको हम स्ट्रॉन्ग बना सके। इट इज इन थ्योरेटिकल फॉर्म इन दिस सिस्टम एब्जॉर्बर पंप एंड ए जनरेटर। And a pressure reducing valve replace the compressor. The low pressure ammonia vapor leaving the evaporator enter the absorber where it is absorbed by the cold water in the absorber. The water has the ability to absorb the large quantity of ammonia vapor. जो water की ability रहती है वो ज़्यादा से ज़्यादा quantity में ammonia vapor को absorb करने की रहती है। Heat is removed in the absorber. Absorber में heat remove होती है ताकि वाटर की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को हम बढ़ा सके। द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इन द एब्जॉर्बर इज पंप्ड टू द जनरेटर। जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन रहता है एब्जॉर्बर में उसको जनरेटर की तरफ में पंप के माध्यम से पंप कर दिया जाता है। यहाँ पे पंप को बहुत ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन इज हीटेड इन द जनरेटर। ड्यूरिंग द हीटिंग the ammonia vapors are driven off the solution and the weak solution flow back to the absorber. जो strong solution रहता है वो generator की तरफ पे heat supply करने के बाद उसको supply कर दिया जाता है and उसके बाद जो weak solution वहाँ से बनता है उसको वापस से ammonia में उसको वापस से absorber में भेज दिया जाता है ताकि वो strong solution बन जाए। This is the practical absorption system जिसमें कि rectifier रहता है, analyzer रहते हैं, दो हीट एक्सचेंजर्स वगैरह थे। एक हीट एक्सचेंजर्स यहाँ पे लगा हुआ है, एक हीट एक्सचेंजर हम रेक्टिफायर में लगा देते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो कि थ्योरेटिकल से डिफरेंट रहता है। इन दिस केस सम मॉडिफिकेशन वेयर आर द आफ्टर द जनरेशन एनालाइजर रेक्टिफायर एंड द हीट एक्सचेंजर बिफोर गोइंग ऑन द जनरेटर इट विल बी इंस्टॉल्ड। तो फ्रॉम द एब्जॉर्बर इफ द सम वीक सॉल्यूशन इज फॉर्म देन from the generator side it is going into the again into the absorber, but a strong solution which is passes through the heat exchanger and
passing through the generator side, and it will going again into the condenser side through the rectifier. Rectifier is a device whose main function is to rectify sediments, impurities, जो भी कंटेनमेंट रहते हैं उनको निकालने काम करता है रेक्टिफायर. और उसके बाद ये एक प्रकार से हीट एक्सचेंजर की तरह काम करता है. कूलिंग वाटर इज सप्लाई टू द कंडेंसर वेयर इट इज कूल्ड इन ए लिक्विड फॉर्म, एंड आफ्टर द कंडेंसर जो रेफ्रिजरेंट रहेगा अमोनिया के फॉर्म में उसको हम रिसीवर से एवोपरेटर की तरफ भेज देंगे, और रिसीवर से वो एक्सपांसन वाल्व के थ्रू evaporator में जाएगा, and finally it will going into the absorber sides. This is the difference between the theoretical and the practical absorption systems. In a theoretical way, the simple vapor absorption system discussed previously is not very economical. क्योंकि हम देख रहे थे theoretical वाला जो ना system था वो बहुत ज़्यादा economical way भी नहीं था. To improve the effectiveness, it is fitted with the accessories, an analyzer, rectifier and a two heat exchanger. यदि इसकी इफेक्टिवनेस को यदि बढ़ाना है तो एनालाइजर लगाया जाता है, रेक्टिफायर लगाया जाता है और दो हीट एक्सचेंजर लगाते हैं. नेक्स्ट इज द अमोनिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेशन सिस्टम. दिस इज द इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन विच द थ्री रेफ्रिजरेंट्स आर यूज्ड. देयर आर द अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन. तीन तरह के यहाँ पे फ्लूइड इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि जिसमें अमोनिया जो है रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, हाइड्रोजन जो रहती है वो लाइटेस्ट गैस होती है, और वाटर जो है सॉल्वेंट की तरह काम करता है. तो इसका डायग्राम आप देखेंगे, जनरेटर जहाँ की स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनके रेक्टिफायर से होके कंडेंसर साइड पे आ रहा है, तो जनरेटर में स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो भी बनता है उसको रेक्टिफायर से होके कंडेंसर साइड पे भेजते हैं, एंड आफ्टर दैट जो भी लिक्विड अमोनिया कंडेंसर साइड से निकल के आ रही है उसको एवोपरेटर भेजते हैं. यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट गैस है, एज अ लाइटेस्ट गैस को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और जब मिक्सर होके यहाँ पे एवोपरेटर से निकलती तो अमोनिया और हाइड्रोजन बनती है, और इस अमोनिया और हाइड्रोजन को हम एब्जॉर्बर में डालते हैं. एब्जॉर्बर में दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन और वीक सोल्यूशन. तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जो निकल के आता है उसको हम हीट एक्सचेंजर से वापस से जनरेटर की साइड पे भेज सकते हैं, लेकिन जनरेटर से निकलने वाला जो वीक सॉल्यूशन रहता है उसको हीट एक्सचेंजर की मदद से हम यहाँ पे वापस एब्जॉर्बर में भेज देते हैं. तो इस तरीके से अमोनिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है. दिस टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटर इज कॉल्ड अ थ्री फ्लूइड्स एब्जॉर्प्शन सिस्टम. इसको थ्री फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम के नाम से जाना जाता है. जो इसका मेन पर्पज रहता है सिस्टम का वो पंप को एलिमिनेट करने का रहता है, ताकि इन एब्सेंस ऑफ मूविंग पार्ट द मशीन बिकम्स नॉइजलेस. मूविंग पार्ट की एब्सेंस में जो मशीन रहती है नॉइजलेस बन जाती है. द थ्री फ्लूइड्स यूज आर अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन. जैसा कि डायग्राम में डिस्कस किया, तीन तरह के फ्लूइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं. अमोनिया रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस के रूप में काम करता है, ताकि वो रेट ऑफ एवोपरेशन को बढ़ा सके लिक्विड अमोनिया को एवोपरेटर में जाने से पहले. वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट की तरह काम करता है. नेक्स्ट इज द लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम. इस सिस्टम में जो आपका रेफ्रिजरेंट रहता है वो वाटर रहता है, जबकि जो लिथियम ब्रोमाइड को है एज ए एब्जॉर्बेंट की तरह पे इस्तेमाल किया जाता है. इसका दूसरा नाम वाटर लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, जिसमें कि एब्जॉर्बर के केस में लिथियम ब्रोमाइड जो है एब्जॉर्ब वाटर रेफ्रिजरेंट करता है, क्रिएटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड. दिस सॉल्यूशन इज पंप्ड बाय द पंप टू द जनरेटर वेयर द सॉल्यूशन इज हीटेड. तो यहाँ पे वही चीज है, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पे लिथियम ब्रोमाइड और वाटर इस्तेमाल किया रहा है, जबकि यहाँ पे अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है जैसा कि इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कर रहे थे. तो दिस सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ द हाई प्रेशर साइड एंड द लो प्रेशर साइड. तो लो प्रेशर साइड इज द अब्जॉर्बर एंड द एवोपरेटर, एंड द हाई प्रेशर साइड इज द कंडेंसर एंड द जनरेटर. साथ ही साथ में हीट एक्सचेंजर लगा हुआ है जो कि वीक और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को एलिमिनेट करने का काम भी करता है, और यहाँ पे स्टीम को एज ए रेफ्रिजरेंट, स्टीम को एज ए वर्किंग सब्सटेंस की तरह इस्तेमाल करके जनरेटर में यूज करते हैं, ताकि जो भी निकल के आ रहा है एब्जॉर्बर से मटेरियल
या बोलना चाहिए जो आपका रेफ्रिजरेट जो निकल के आ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन को हम गर्म कर सके, और उस स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन गर्म करने के बाद फिर हम कंडेंसर पे आके इसको लिक्विफाई फॉर्म में बेच देते हैं। यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं होता ताकि इसका हम सीओपी इम्प्रूव कर सके। अनदर थिंग इज दिस सोल्यूशन इज पम्प बाय द पम्प टू द जनरेटर वेयर द सोल्यूशन इज हीटेड, द वाटर रेफ्रिजरेंट गेट्स द वेपराइज एंड मूव टू द कंडेंसर वेयर इट इज कूल्ड, while the lithium bromide flow back to the absorber where it is further absorb water coming from the evaporator. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो lithium bromide का जो weak solution है वापस से अपनी स्टेज पे आ जाता है, जबकि strong solution उसको generator side पे भेज दिया जाता है। The water lithium bromide vapor reduction system is used in number of air conditioning application. बहुत सारे air conditioning के application में water lithium bromide आजकल इस्तेमाल होने लगा है। The system is useful for the application where the temperature required is more than 32 डिग्री एफ, जहाँ की अपने को ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रहती है 32 डिग्री फारेनहाइट पे, तो वहाँ पे हम लिथियम ब्रोमाइड सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर क्या फ़ायदे हैं? पहली चीज़ की मूविंग पार्ट नहीं होता, कंप्रेसर नहीं है, कंप्रेसर ना होने की वजह से यहाँ पे सीओपी जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा, क्वाइट इन ऑपरेशन, जनरेटर लगा है तो कंप्रेसर ना लगे होने की वजह से आवाज़ नहीं करता, नॉइज नहीं करता, लो मेंटेनेंस कॉस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। कैन वर्क ओनली विद द थर्मल एनर्जी एज एन इनपुट, हम यहाँ पे स्टीम एज अ थर्मल एनर्जी को यूज कर सकते हैं एज इनपुट के रूप में। कैन बी बिल्ट फॉर द ह्यूज वर्किंग कैपेसिटी, ह्यूज वर्किंग कैपेसिटी जैसे कि 1000 TR के ऊपर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कैन बी ऑपरेटेड एट एज डिजाइनर्ड सीओपी और इवन एट ए पार्ट लोड्स बाई वेयरिंग द जनरेटेड टेम्परेचर, इसको हम डिजाइनेड सीओपी या पार्ट लोड बाई वेरिंग टेम्परेचर जनरेटेड टेम्परेचर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस एंड ऑटोमेटिक कंट्रोल रिक्वायरमेंट फेवर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जो आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम है रिक्वायरमेंट है, स्पेस रिक्वायरमेंट है, उसके फेवर में भी हम एब्जॉर्प्शन सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कितने तरह के रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होते हैं इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो अलग अलग तरह के रेफ्रिजरेंट है, हेलो कार्बन, एजियोट्रोप, जियोट्रोपिक, इनऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन। रेफ्रिजरेंट का मेनली फंक्शन जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करने का रहता है इन एवेपोरेटर सेक्शन, ताकि जो भी चीज़ वहाँ पे रखी है वो चीज़ ठंडी हो सके, और उसके बाद उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद कंडेंसर साइड को उसको रिजेक्ट भी कर देता है। पहला जो इसमें हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट है ये सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है और डेवलप एज अ फ्रियॉन फैमिली ऑफ रेफ्रिजरेंट, फ्रियॉन फैमिली रेफ्रिजरेंट से बिलोंगनेस करता है। जैसे कि यदि एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए सीएफसी है, सीएफसी में R11 है, R12, R13, R114 है, R115 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसमें कि R22 है, R123 है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में R134A है, R404A है, R40C है, R410A है। इनको हम इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो रेफ्रिजरेंट कहलाता है वो एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट कहलाता है। स्टेबल मिक्सचर ऑफ टू और सेवरल रेफ्रिजरेंट हुज वेपर एंड लिक्विड फेज रिटेन आइडेंटिकल कंपोजिशंस ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर दैट इज कॉल्ड अ एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट। तो दो या अधिक रेफ्रिजरेंट जिसकी की वेपर और लिक्विड फेज जो है आइडेंटिकल बनी रहती है कंपोजिशन के फॉर्म में डिफरेंट टेम्परेचर्स और प्रेशर कंडीशंस पे, उसको एजियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। इसके एग्जांपल में R500, इसके अलावा R502 भी है, इसके अलावा आपके और भी रेफ्रिजरेंट हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि यदि कंपोजिशन के फॉर्म में देखा है तो 40.1% R23 रहता है और 59.9% R13 होता है। जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट्स, it is a mixture in which whose composition in liquid phase differs to that in a vapor phase. Geotrophic refrigerants therefore do not boil at constant temperature, unlike azeotropic refrigerant. Azeotropic refrigerant ki jagah geotrophic refrigerant jo istemal kiye ja rahe hain inko hum boil nahi karte hain constant temperature pe, aur iska jo example hai sabse acha wo 404A refrigerant market mein use kiya ja raha hai, R125 143A, 134A, इस तरह के रेफ्रिजरेंट जो यूज किए जाते हैं ये जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट होते हैं।
इसके अलावा जो दूसरे रेफ्रिजरेंट है R410A है, R413A है, ये रेफ्रिजरेंट भी जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट के रूप में जाने जाते हैं, जहाँ की R32 और 125 के डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन इस्तेमाल होते हैं। इन ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, वाटर के फॉर्म में मिलते हैं, अमोनिया के फॉर्म में, एयर के फॉर्म में और सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। इनको इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट का नाम दिया गया है। हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, मेनी हाइड्रोकार्बन गैसेस हैव सक्सेसफुली बीन यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट इन इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड अ हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। एग्जाम्पल जो हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट के हैं, दैट इज द R170 ईथेन C2H6, इसका फार्मूला रहता है, R290 जिसमें कि प्रोपेन C3H3 है, R600 जो कि ब्यूटेन है, C4H10 रहता है, R600A आइसोब्यूटेन है, C4H10 है, ब्लेंड्स ऑफ द अबव गैसेस। इस तरीके से कोई भी माध्यम को चुना जा सकता है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट में। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ द रेफ्रिजरेंट, जो भी रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल में, उनका एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या है? पहला, डिप्लेशंस ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जो ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में है वो डिप्लेशंस होती आ रही है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूसली अपनी वार्म गैसेस छोड़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बना हुआ है, जैसे रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल वार्मिंग व्हेन रिलीज्ड टू द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर में इसको छोड़ दिया जाता है तो जो रेफ्रिजरेंट रहते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर में जाके ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजम्पशंस ऑफ अमाउंट अदर द कंप्रेसर CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द पावर स्टेशन। जो इनडायरेक्ट टाइप के कंट्रीब्यूशंस रहते हैं जो कि एनर्जी कंजम्पशंस करते हैं, वो भी कंप्रेसर के साथ में CO2 प्रोड्यूस करते हैं बाय द पावर स्टेशन के द्वारा, जिसका कि हार्मफुल इफेक्ट एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर पे होता है। नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट द रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टीज, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और भी कुछ चीज़ें हैं यूनिट 3 की जो हम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल रहेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।